हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच हुए अभी रीसेंट समिट पर। जानेंगे कि क्यों ये समिट हुआ है और इस समिट की क्या सिग्निफिकेंस है फॉर बोथ पार्टीज, इंडिया और सेंट्रल एशिया दोनों ही के लिए। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेंट्रल एशिया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि भाई मैं किन देशों की प्राइमरली बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट नेशन लाइक उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, या फिर आपके जो है तुर्कमेनिस्तान। ये सभी जो देश हैं सेंट्रल एशियन रीजन के प्राइमरी नेशंस हैं। सो इनके साथ भारत की कनेक्टिविटी बनाने की इंडिया को क्या जरूरत है, व्हाट एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस ऑफ सेंट्रल एशियन रीजन फॉर इंडिया, एंड आल्सो सेंट्रल एशियन नेशंस के लिए इंडिया की साउथ एशिया में क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, इन सभी पर्सपेक्टिव्स को हम समझेंगे इस ही टॉपिक के माध्यम से। तो चलिए स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट टुडे सेशन। सो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, वर्चुअली एक आपका समिट जो सेशन हुआ है टू सेलिब्रेट, फर्स्ट ये इंडिया सेंट्रल एशिया समिट है और ये क्यों हुआ है, बेसिकली टू सेलिब्रेट द 30th एनिवर्सरी या 30 जो आपके इयर्स कंप्लीट हुए हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस के भारत और सेंट्रल एशिया के बीच में। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है बिकॉज सेंट्रल एशिया रीजन इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल एशियन रीजन जो है दुनिया का वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एनर्जी रिच रीजन है। 20% ऑफ यूरेनियम के जो रिसोर्सेज हैं अकेले आपके कजाकिस्तान में है, ठीक है, या हाइड्रो पोटेंशियल जो है बहुत ज्यादा है यहाँ पे, नेचुरल गैसेस के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है उज्बेकिस्तान में या किर्गिस्तान में, ठीक है। सो इंडिया कहीं ना कहीं, और इंडिया दूसरी तरफ देखें तो एक एनर्जी डेफिसिट नेशन है। सो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है सेंट्रल एशियन रीजन की। ऑन द अदर साइड चाइना इज रैपिडली ग्रोइंग इन सेंट्रल एशियन रीजन, एससीओ के माध्यम से रशिया के साथ अच्छे संबंध है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा, काउंटर करना चाहेगा बेसिकली चाइना को इस पूरे रीजन में, ठीक है। तो ये भी सभी चीजें हमने समझनी है। चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सबसे पहले अभी इस कॉपरेशन में ये जो भी रिसेंटली समिट हुआ है इसमें हुआ क्या है, ठीक है, और इसको समझने के लिए हमें पहले सेंट्रल एशिया को समझना पड़ेगा। सो थ्रू दिस मैप वी कैन सी दैट द ऑलमोस्ट एंटायर सेंट्रल एशिया इज अ लैंडलॉक रीजन, एंड विद अ व्यू टू दिस two regions become very important for central asia and of course for india, iran and afghanistan, kyunki isi ke madhyam se jo hai connectivity central asian nations ki banti hai. now india is developing a chabahar port in iran, already we have invested a lot in afghanistan, to india ke liye bhi ye dono desh bahut important ho jate hain, theek hai, aur kyunki aapka pakistan mein beech mein aa raha hai india ke aur we don't have a good relation with pakistan, तो हमारी जो कनेक्टिविटी का साधन है वो ईरान के माध्यम से ही हो पाता है, ठीक है। तो ये जो दोनों ही रीजन है ईरान और अफगानिस्तान, ये सेंट्रल एशियन नेशंस के लिए भी और इंडिया के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो इसी अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का चेंज होता है, फर्मेंट होता है, या किसी भी प्रकार का जो है पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक चेंज होता है, इट विल इफेक्ट द रिलेशंस बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड इंडिया, ठीक है। सो अभी इसी बात को ध्यान में रखते हुए बिकॉज रिसेंटली वी हैव सीन दैट व्हाट हैपेंड इन अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान में तालिबान रिजीम आया है, तो क्या इसकी वजह से हमारे संबंधों में कोई कोई परिवर्तन आएगा, कोई चेंज आएगा, ठीक है, इसको डिस्कस किया गया है। किस प्रकार से हमारी जो कनेक्टिविटी है उसको और स्ट्रेंथन किया जा सकता है हमारे रूट्स के माध्यम से, ठीक है, सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ, या हमारे जो सिक्योरिटी डील्स हैं उनको कैसे और स्ट्रेंथन किया जा सकता है, तो इन सभी मामलों पर जो है डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को कैसे बढ़ाया जाए। सो अभी क्या है, राउंड टेबल जो है प्राइमरली हेल्ड एनर्जी एंड कनेक्टिविटी, ये दो प्राइमरी जो है आपके टॉपिक्स रहे जिनको इस आपकी समिट में डिस्कस किया गया सेंट्रल एशियन नेशंस और इंडिया डेलीगेशन के बीच में, ठीक है। देखिए मैंने कहा एनर्जी एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है भारत के लिए सेंट्रल एशियन रीजन के कंटेक्स्ट में, और कनेक्टिविटी भी हमारी जो है वो बनना बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर सेंट्रल एशियन नेशंस। सेंट्रल एशियन नेशंस के लिए जो है अगर ट्रेड करना है अगर फ्रदर, तो यही एक रूट बचता है। तो इसको डिस्कस किया कि कैसे स्ट्रेंथन किया जा सकता है। नेक्स्ट है ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एट सीनियर लेवल, एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप जो है सीनियर लेवल का डेलीगेशन जो है बैठा, उस पर बातचीत की गई है स्पेशली अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में, और छाबार पोर्ट का किस प्रकार से यूटिलाइज किया जा सकता है फर्दर अपने ट्रेड पोटेंशियल्स को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। अदर देन दिस
आपके कल्चर रिलेशंस को या टूरिज्म को बूस्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है। सो इसके लिए जो है बुद्धिस्ट एग्जीबिशंस लगाया गया है सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। ऑलराइट, इसके अलावा ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइजेस होंगी, ठीक है, इंडिया और सेंट्रल एशियन नेशंस के बीच में पहले भी होती रही है लेकिन और ज्यादा जो है इसको बढ़ाया जाएगा। देखिए सेंट्रल एशिया में भी रेडिकलाइजेशन की समस्या है क्योंकि बहुत ज्यादा रेडिकलाइज इस्लाम इस्लाम अप्रोच को फॉलो नहीं करता है सेंट्रल एशिया। ज्यादातर जो सेंट्रल एशियन नेशंस हैं इस्लामिक नेशंस ही हैं, बट मॉडर्न इस्लामिक नेशंस हैं, रेडिकल इस्लामिक नेशन नहीं है। तो देयर इज अ सेंस ऑफ फियर कि भाई कहीं यहां पर आगे टेररिज्म ना बढ़े। सो कहीं ना कहीं यहां पर इंडिया भी बिकॉज फेसिंग द स्टिंग ऑफ टेररिज्म तो एक साथ मिलकर काम करने पर राजी हुए हैं। इसके अलावा 100 जो है 100 मेंबर ऑफ यूथ डेलीगेशन विल एनुअली विजिट इंडिया। सेंट्रल एशियन नेशंस के 100 यूथ जो डेलीगेशन है वो भारत विजिट करेंगे, इस पर भी चर्चा की गई इस समिट में। सो नाउ टॉक अबाउट कि भाई इंडिया के लिए इन सभी प्राइमरी देशों की क्या सिग्निफिकेंस है, सेंट्रल एशियन नेशंस की मैं बात कर रहा हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट कजाकिस्तान। कजाकिस्तान भारत का सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तकरीबन 1.2 बिलियन के आसपास अकेले हम कजाकिस्तान के साथ आज ट्रेड कर रहे हैं। Now what happened recently in Kazakhstan, जो loss हुआ है loss of lease and property, उसके लिए भारत ने अपना condolence जाहिर किया है Kazakhstan के साथ। और साथ ही साथ Kazakhstan, जैसे मैंने कहा कि भाई यूरेनियम रिच रीजन है, यूरेनियम रिच रीजन है, एनर्जी सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से भी इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। सो इन सभी एरिया में हम देखें तो भारत जो है bilaterally कॉन्टेक्ट में है कजाकिस्तान के, और कजाकिस्तान के साथ ब्रदर हम कोशिश करेंगे कि लगातार हमारा ट्रेड भी बढ़े और हमारी जो एनर्जी नीड्स है उनको भी कजाकिस्तान पूरा करने में सहायता करे। नाउ टॉक अबाउट उज्बेकिस्तान। सो उज्बेकिस्तान के साथ अभी ज्वाइंट वर्किंग आपके ग्रुप के सेशन हुए हैं, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के काउंटर टेररिज्म एंड डिफेंस कॉपरेशन, ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, डिफेंस कॉपरेशन, ठीक है, काउंटर टेररिज्म के लिए और डिफेंस कॉपरेशन के अलग से ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के सेशंस में मीटिंग्स हुई हैं। इसके अलावा जो है 2019 में मिलिट्री एक्सरसाइज हेल्ड की गई थी डस्ट लिंक 2019 बायलेटरल, ये आपका मिलिट्री एक्सरसाइज थी जो दोनों देशों के बीच हुई थी। अदर देन दिस उज्बेकिस्तान के साथ हम एक अपनी ट्रेड पोटेंशियल्स को, हमारी कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए एक ट्राई जंक्शन को बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें इंडिया, ईरान एंड उज्बेकिस्तान शामिल होंगे और तीनों ही देशों की सरकारों ने इस पर अपनी हामी भरी है। नाउ टॉक अबाउट तुर्कमेनिस्तान। तो तुर्कमेनिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है इंडिया के लिए, स्पेशली अश्कबाग ट्रीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो अश्कबाग एग्रीमेंट साइन किया गया था, ठीक है, रीजनल कनेक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने में तुर्कमेनिस्तान की सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। ऑन द अदर साइड तजाकिस्तान हमारे लिए जो है सिक्योरिटी परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फारकोर जो एयर बेसिस हैं भारत ने लिए हैं, फारकोर एयर बेसिस, ये आपके हमने तजाकिस्तान में ही बिल्ड किए हैं, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारा ही रीजन इंडिया के लिए। और कहीं ना कहीं इवन टू काउंटर चाइना ये बेस हमारी सहायता करता है, एक प्रेशर डालता है कि भाई तजाकिस्तान में किसी भी प्रकार की हमारी मिलिट्री, हमारी डिफेंस प्रेजेंस जो है दैट विल पुट प्रेशर ओवर चाइना। सो चलिए स्टूडेंट, आई होप कि अच्छे से आपको ये भी जो पर्सपेक्टिव है समझ आया होगा। नाउ टॉक अबाउट इस सबमिट की सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे जियोपॉलिटिकल डायनेमिक्स की। तो अगर अभी हम ग्लोबल सिनेरियो देखें समझें, सो फार्मेंट has been taken place in basically Eurasian region में, जो आप रशिया और यूक्रेनियन क्राइसिस हुए हैं उसके बीच में, या यूएस चाइना के बीच टेंशन एस्केलेट हुई हैं, या फिर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो भाई हमारे बॉर्डर्स पे चाइना के साथ डिस्प्यूट अभी रिसेंटली हुआ है, या हमारे नेबरिंग नेशन अफगानिस्तान में एक फॉर्मेंट क्रिएट हुई पिछले कुछ समय में, एक अनस्टेबल गवर्नमेंट वहां है, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है। So, ये एक जो एक हलचल मची है इस पूरे रीजन में, साउथ एशिया और आपके यूरेशियन रीजन में, ऐसे माहौल में ये सबमिट हुआ है। और प्राइमरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट चाइना, हमारे लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक है सेंट्रल एशिया में हमारे पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। सो हियर रशिया बिकम इंपॉर्टेंट फॉर अस।
अभी इंडिया इज सपोर्टिंग रशिया, ठीक है, हर फ्रंट पे, आर वी एक्सपेक्टिंग आल्सो कि भाई रशिया भी हमारी पोटेंशियल को यहाँ पर बढ़ाने में सहायता करेगा। जैसे एससीओ, एससीओ की मेंबरशिप लेने में रशिया ने हमारी सहायता की। इवन रशिया डोंट वांट कि भाई चाइना ही कंप्लीटली ऑक्युपाइड कर ले पूरे सेंट्रल एशियन रीजन को। तो इंडिया बिकम एन इंपॉर्टेंट पार्टनर इन दिस रीजन। सो जियोपॉलिटिकली भी देखें, सो जो बदलते हुए डायनेमिक्स भी हैं उनमें भी सेंट्रल एशियन रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट नेशन हो जाता है। नाउ ट्रेड की अगर हम बात करेंगे, सो ट्रेड जो है लगातार बढ़ रहा है। अगर 2019 तक की बात कर ले, सो 1.4 बिलियन का ट्रेड हमारा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है, इससे ज्यादा होना चाहिए और इससे ज्यादा भी बड़ा है। हालांकि दो साल का जो कोरोना पीरियड था उसमें कुछ डिप आया, लेकिन अब फिर से जो है कह सकते हैं कि भाई बेटर हो रहे हैं हमारे ट्रेड रिलेशन सेंट्रल एशियन नेशंस के साथ। सिक्योरिटी इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हम बहुत से एस्पेक्ट्स पर, जैसे काउंटर टेररिज्म जो है, ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप अलग बायलेटरल निश भी कर रहे हैं और एससीओ के माध्यम से भी जो है हम इस अप्रोच को और आगे ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ठीक है, या फिर हम अलग से बायलेटरल कोशिश कर रहे हैं, टाइज करें जिसमें मिलिट्री एक्सरसाइजेस हों या ज्यादा से ज्यादा हमें जो है बेसिस, मिलिट्री बेसिस मिल सकते हैं, जैसे फारकोर एयरबेस मिला है। ऐसे लगातार इंडिया की कोशिश है कि और रीजन में भी हम अपनी प्रेजेंस को और ज्यादा स्ट्रेंथन कर पाए, ठीक है। तो सिग्निफिकेंस इस समिट की बहुत ज्यादा रही है क्योंकि इन सभी मामलों पर डिस्कशन किया गया इस समिट में। सो आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ आया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस समिट, और इसी परस्पेक्टिव में आप समझ पाए होंगे कि भाई सेंट्रल एशिया क्यों भारत के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।